जय साई राम। होममेड रेसिपी में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बना कर दिखा रही हूँ हल्दी की सब्जी। एक बार आप हल्दी की सब्जी सर्दी में जरूर बना कर देखना और मेरे तरीके से बना कर देखना। मैं आपको पहले सबसे पहले इसे छील लेते हैं। सारी हल्दी को ऐसे छील लेंगे। मैंने छील ली इसको। अब इसे घिया घिस कर लेते हैं। इसे सारी हल्दी को ऐसे घिया घस कर लेते हैं। देखिए ऐसे घिया घस कर लेंगे सारी। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम हल्दी लिया है, 1 कटोरी घी ली है और 1 कटोरी मटर, 1 टमाटर, 2 प्याज, 3 हरी मिर्च ली और लहसुन ली है। घी डाल देते हैं इसमें। हल्दी डाल देते हैं इसमें। हल्दी को अच्छे से सेक लेंगे। चलाते चलाते ही फ्राई करना है क्योंकि हल्दी चिपकती है इसलिए। जब तक फ्राई करेंगे तब तक इसका सारा पानी जल जाए और ये घी छोड़ने लगे। देखिए फ्राई हो चुकी है ये अच्छे तरीके से। अब इसे निकाल लेते हैं और ये थोड़ा थोड़ा चिपक गया है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे ही आप घी डालकर मतलब मसाला बनाएंगे तब अपने आप सारी उतर जाएगी। घी डाल देते हैं। जीरा डाल देते हैं। प्याज मैंने स्लाइस में काटा है इसको, साथ में हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची को भी मैंने इस तरीके से काटा है। लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें करीब 1.5 चम्मच। धनिया डाल देते हैं 1.5 चम्मच। हल्दी डालनी नहीं है। प्याज और हरी मिर्ची को बस इतना ही पकाएंगे, एकदम ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसका पेस्ट डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं। देखिए जो हल्दी चिपकी हुई है सारी उतर गई। मटर डाल देते हैं। अभी मैंने इसे स्लाइस में काटे इसे डाल देते हैं। मसाला पक चुका है। हल्दी डाल देते हैं इसमें। अभी एकदम धीमी आंच करके इसे ढककर रख देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए जैसे हल्दी पकी हुई है उसे पकाने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। एकदम से पक चुकी है। अब
थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं इसमें। ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, देखिए सब्जियों के लिए एक्टिव वाइट टी है। आप देखिए बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, पूरा घी छोड़ने लगी, देखो एकदम अच्छी से बन चुकी है। अभी से निकाल देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। देखिए हल्दी की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी हल्दी की सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइबर भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपको आप तक पहले पहुँच जाए। और एक बार ज़रूर बना कर देखिए।